हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SSRD ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज है 29 सितंबर और दिन है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। और आज मैं कोई ब्लॉग लेके आपके सामने नहीं आई हूँ, थोड़ी सी मुझे बात करनी थी। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो हर कोई आजकल सावधान रहता है, सतर्क रहता है, लेकिन फिर भी मुझे बताना जरूरी लगा, तो मैंने सोचा चलो आपको ये जानकारी दे देते हैं छोटी छोटी। क्योंकि छोटी सी एक गलती आपकी ना आपका पूरा चैनल खराब कर सकती है, आपकी पूरी मेहनत खराब कर सकती है। फिर चाहे आप एक साल से काम कर रहे हो, चाहे 2 साल से काम कर रहे हो, चाहे आप 5 साल से काम कर रहे हो, पूरी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी। तो छोटी छोटी सी आप गलती करेंगे तो आपका चैनल तो खराब होएगा ही, और उसका जो है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, आपकी खुद की होगी। तो मैंने सोचा चलो आपको ये छोटी छोटी सी जानकारी है थोड़ी सी दे देते हैं, शायद आप लोगों को ना पता हो, तो मैंने सोचा चलो देना जरूरी, मतलब मुझे लगा कि देना जरूरी, मतलब मुझे लगा कि देना चाहिए, मुझे देना जरूरी लगा आपको ये जानकारी। ऐसा कुछ मतलब बोलने में थोड़ा सा हो रहा है, मुझे आपको सही से समझा नहीं पाती हूँ, ऐसा कुछ तो घूम फिर जाती है बातें, मेरे टहल जाती हैं। तो चलिए कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले मेरे पास इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेज आते हैं कि पहले तो क्वेश्चन आता है हेलो हाय का, वही सब जो नॉर्मली तौर पर सबके मैसेज आते हैं, वैसे ही कैसे हैं आप, ये सब हाल चाल पूछा जाता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब वो होता ना कि मतलब इंस्टाग्राम से सीधे लोग YT पे पहुंच जाते हैं, आपका चैनल है, ये है, वो है, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ठीक है भाई, वीडियो बनाते हैं तो देखने के लिए बनाते हैं ना, वीडियो बनाते हैं आप देखेंगे भाई, अच्छा है हमारे लिए तो अच्छा ही है कि आप देखते हैं, वीडियो अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे होता क्या है, डॉलर कहाँ पे दिखता है, वॉच टाइम कहाँ पे दिखता है, मुझे नहीं पता है, मेरा भी चैनल है। अब धीरे धीरे वो YT चैनल पे पहुंच जाते हैं, आपको बातों में बहा ले जाते हैं, ऐसा होता है। तो आप छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा। तो क्या करते हैं लोग कि आपको बातों में लेके आपके YT चैनल पे जाते हैं, फिर आपसे धीरे धीरे इंक्वायरी हासिल करने की कोशिश करते हैं, आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितना वॉच टाइम है, आपको कितनी पेमेंट मिल चुकी है, ये है वो है, मतलब बहुत सारे इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उनमें भटक जाते हैं, भटकने की वजह से आप क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, और वो जो पूछते जाते हैं आप उनका आंसर देते हुए चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि सब पूछ लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप अपने YT का स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए। भाई अगर मैंने मना किया, मैं क्यों भेजू आपको स्क्रीनशॉट, YT का स्क्रीनशॉट मैं आपको क्यों भेजू, मुझे क्या पड़ी है मैं आपको भेजू, आप देखो, आप खुद सर्च करके देख लो वीडियो कहाँ पे देखते हैं, दिखते हैं डॉलर कहाँ पे दिखता है, वॉच टाइम सब कुछ आजकल वीडियो बने हुए पड़े हैं भाई, वहां पे जाके देख लो, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम बहुत इजी हो गया है, सबके पास मोबाइल है और कुछ नहीं कर पाते लोग, तो सीधे इंस्टाग्राम पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जब वो प्लीज प्लीज करके, प्लीज सिस्टर, प्लीज दीदी, मतलब उनको वो चीज बात उनको मनवानी रहती है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मैसेज आपके पास अगर ऐसा आता है तो आप उसको स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत भेजिए। और उसके अलावा लोग आपसे मांगेंगे नंबर, फोन नंबर मांगे कि आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, तो आप उसको नंबर भी मत देना, क्योंकि नंबर से ही सारी जो होती है ना, क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन लोग निकाल लेते हैं चैनल की, और आपका चैनल भी गायब हो सकता है या फिर हैक हो सकता है। तो आप थोड़ी थोड़ी ये चीजें होती हैं जिनको आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, या फिर आप सावधानी रखिएगा कि नंबर ना दें किसी को, या फिर कोई भी अपने YT का स्क्रीनशॉट किसी को ना भेजें, चाहे जितना भी आपका कोई खास हो, चाहे जितना भी आपको कोई बोले, क्योंकि हमें धोखा पहले अपने ही देते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट तो किसी को मत भेजिएगा, चाहे आपका जानने वाला हो या ना हो, किसी को मत भेजिएगा, अपनी इन्फॉर्मेशन आप अपने तक ही सीमित रखिएगा। बाकी हाँ, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हेल्प करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि उसमें कोई रुपया नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं, आप हेल्प करिए अगर किसी को जरूरत है तो, ठीक है। लेकिन ये जो फालतू की चीजें होती हैं कि स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हाँ, और मुझे बोला, फिर जब मैंने स्क्रीनशॉट के लिए मना किया, मेरे पास मैसेज भी आए थे, यदि मैंने स्क्रीनशॉट जो मतलब जो मेरे पास आए थे तो उसके कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास बचे हुए हैं, 1-2 बचे हैं, बाकी सब डिलीट हो गए, क्योंकि होता क्या है, मेमोरी भर जाती है मोबाइल की, फिर मुझे सारी क्लिपें डिलीट करनी पड़ती हैं, उस चक्कर में डिलीट हो गई हैं, 2-3 बची हैं। तो ये देखिए 1 या 2 बची, शायद मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ये देखिए नीचे आ रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मतलब वीडियो बना दीजिए,
भी बना दीजिए, जैसे कि हलवा है बना के खा लो, है नहीं? ऐसा होता है कि बस जाओ कैमरा खोल के बैठ जाओ, बस वीडियो बन जाता है। अरे भैया वीडियो बनाने में टाइम लगता है, मैं उनको कितना बोली, वॉइस मैसेज भी करके भेजे कि भैया टाइम लगता है वीडियो बनाने में, मुझे इतनी जल्दी मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, अभी भेज दीजिए वीडियो बना के। अरे ये कोई बात हुई? कैसे कैसे नमूने पड़े हैं YT पे, क्या ही बताऊं मैं। तो ऐसा ही कुछ था, मैंने सोचा चलो इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। और छोटे छोटे से जो चीजें हैं ना, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, इसमें भी बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा सावधानी से बरतिएगा। और हाँ, आजकल एक नया ट्रेंड चला है ऑनलाइन बिजनेस का, मुझे भी दो मैसेज आ चुके हैं। एक तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, बताया भी था, लगभग एक डेढ़ महीना हो गया था, मैंने वीडियो भी बनाया था इंस्टाग्राम पे, वो डाला था। कहाँ से आया था? बरेली से आया था। एक और मुझे आया था कि आप महीने में 20-25 हजार रुपए कमा सकती हैं, मुझे भैया नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जैसी हूँ वैसे ठीक है, जैसे मैं अपना आराम से काम कर रही हूँ, ऐसे मुझे करने तो मैंने साफ मना कर दिया, मुझे चाहिए भी नहीं और मुझे करना भी नहीं ऐसा कुछ। तो धीरे धीरे करते रहिए, अपनी मेहनत से आगे बढ़िए, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपनी मेहनत से अगर कुछ मिलेगा ना तो उसमें हमको ज्यादा खुशी मिलेगी। तो छोटी छोटी चीजें थी, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिया है, दिखाया है ना, इसके बारे में जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है तो आप इसको बिल्कुल भी कोई भी अपनी YT का स्क्रीनशॉट या कुछ भी ना दें, अपनी मतलब इन्फॉर्मेशन किसी को भी ना दें, अपने तक ही रखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट ब्लॉग या फिर वीडियो में। छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा चलो आपके साथ साझा करते हैं, और जानकारी देनी बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं जिनको कुछ नहीं पता है। अभी भी मेरे पास कॉल आती है, लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको बता देती हूँ। हेल्प तो मैं सबकी करती हूँ क्योंकि हेल्प करना चाहिए। तो बस ऐसे ही कुछ था, और मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।